हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम nth डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन का पार्ट 5 कर रहे हैं। इसके पहले 1 टू 4 मैंने कवर कर दिया है और आइए देखते हैं क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन में कोसाइन पावर 4 एक्स का हमें nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक, कभी भी अगर आपको कोसाइन का अगर कोसाइन या फिर साइन का अगर पावर वाले क्वेश्चन दिखें, तो सबसे पहले आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक के हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक की जो आइडेंटिटीज होती है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, TI मतलब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। देखो, आपको पता है कोसाइन जो 2x होता है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। जब यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे x है, हाफ है बिल्कुल। अगर हम कहें अगर कॉस पावर 4 के लिए अगर चीज़ें लिखी जाए तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से अगर लिखो कॉस पावर 4 के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, अगर हमें यहाँ पे 2x करना तो मतलब यहाँ पे 4x हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, है ना। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसी ही लगेंगी, है ना। अगर इस चीज़ को किया जाए ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से, तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा क्वेश्चन गिवन है, तो हम कॉस पावर 4x इक्वल टू लिख सकते हैं, जो ऊपर मैंने आपको चीज़ें बताई इसकी हेल्प से अगर लिखा जाए, इन दोनों के हेल्प में से अगर स्क्वायर करके लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 1/4 कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस चीज़ को अगर और सिंप्लीफाइड करके लिखा जाए तो ये हो जाएगा 1/4 तो एज इट इज रहेगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स के हिसाब लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको, और होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख दीजिए। अब इस चीज़ को सॉल्व करते चलते हैं फटाफट। अब क्या करते हैं, 1/4 इसका जो स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस ये कॉस स्क्वायर 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोसाइन 2x इंटू 1 करोगे तो कोई मतलब नहीं, इतनी चीज़ें आएंगी। ठीक है, इस चीज़ को और थोड़ा कर लेते हैं। अगर मैं कर लूँ इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/8 ये हो जाएगा 2 प्लस 4 कॉस 2x प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2x, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करके और लिखा जाए, सिंप्लीफाइड करके लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं उसको, 1/8। और देखो, इस चीज़ की जगह पे हम कुछ और चीज़ जो पहले स्टार्टिंग मैंने आपको बताया वो चीज़ लिखा जा सकता है, 2 कॉस 4 कॉस 2x, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस कॉस ऑफ 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा। आपको सिंपलीफाई देखो, यहाँ से 2 1 3 हो रहा है तो इसको 3 कर लो, 1/8 2 1 3 प्लस 4 कॉस 2x और प्लस 1 कॉस 4x, तो इसको तो ऐड नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज लिखो, प्लस कोसाइन 4x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड तो हमने जितना करना था कर लिया। अब हम इस पर nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मैंने कोसाइन ax के लिए जो फॉर्मूला बताया था जब nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, उसको डायरेक्टली अगर अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 nth ऑर्डर 3 प्लस 4 कॉस 2x प्लस कॉस ऑफ 4x, और इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 1/8 और 3 का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना, और प्लस 4 इंटू 2 के पावर n कोसाइन 2x प्लस n पाई बाई 2, ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दिया है पहले, प्लस 4 पावर n e के पावर n होता था, e के पावर n कोसाइन 4x प्लस n पाई बाई 2, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। और इसको चाहे तो और सिंप्लीफाइड कर सकते हो, 1/8 कॉस 2x प्लस n पाई बाई 2 प्लस 4n कॉस ऑफ 4x प्लस n पाई बाई 2, कुछ ऐसा हो जाएगा, और इससे ज़्यादा आप सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे वेरी इजी क्वेश्चन, आपको इस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी यूज़ की है वो चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, और बाकी चीज़ें जो मैंने आपको nth डेरिवेटिव बताया था आपको ये पता रहना चाहिए। इन दोनों के हेल्प से आपको क्वेश्चन करना आसान रहेगा। इसी के बेस पे आप साइन के भी क्वेश्चन ऐसे बनेंगे आप कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं,
पार्शियल फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ लगता है लड़कों को, वो चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आई थिंक सो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।